नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर दमोह से है। देहात थाना क्षेत्र के जबलपुर नाका चौकी के अंतर्गत रुपयों के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर हथियार चले और दोनों पक्षों के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। ये गाली क्यों बक रहे हैं आप जी? जैसे देने हम आ रहे हैं आपके पास, जैसे हम पहुंचे उन्होंने मारपीट चालू कर दी। लेकिन अभी तक चार महीने से पैसे क्यों नहीं दे रहा हमें? भैया पैसे देने वाले हैं, हो नहीं पा रहे पैसे। तो सीधे पहुंचे उन्होंने चाकू से सीधे हमला कर दिया। विनोद मुड़ा, विनोद तीन लड़के दीपक विनोद और दूर लड़के। कहाँ का ये घटनाक्रम? जलपन्ना का, सुख सागर के पास। क्या नाम है आपका? सर दीवाल। कौन कैसे मार रहा है? खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस कांस्टेबल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हत्या का आरोप पिता और मृतक के छोटे भाई पर है। दरअसल राजधानी भोपाल में पदस्थ पुलिस कांस्टेबल अनुराग का शव ग्वालियर में 13 बटालियन के पीछे झाड़ियों में पड़ा मिला है। हत्या के शक में पुलिस ने अनुराग के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया है। बताया गया है कि अनुराग का बीते रोज अपने पिता के घर में पिता और भाई से विवाद हुआ था। अनुराग के पिता और भाई ने अनुराग के शव को बाइक पर ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन पुलिस को इस बात की खबर मिल गई है और पुलिस ने पिता और पुत्र को हिरासत में ले लिया। घटना ग्वालियर में गिरवाई थाना इलाके के 13 बटालियन की है। आपको बता दें कि ग्वालियर में 13 बटालियन में पदस्थ प्रधान आरक्षक सुखवीर सिंह के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अनुराग सिंह है और छोटे बेटे का नाम गोविंद सिंह है। अनुराग सिंह भोपाल में आरक्षक के रूप में पदस्थ था, लेकिन उसे नशे की लत थी। नशे की लत की वजह से अक्सर घर में झगड़ा हुआ करता था। 3 दिन पहले अनुराग भोपाल से ग्वालियर अपने पिता के घर पहुंचा था। बीते रोज अनुराग का अपने पिता और अपने छोटे भाई गोविंद से झगड़ा हुआ, जिसमें पिता ने ही बेटे की हत्या कर दी। थाने के पुलिसकर्मी गश्त पे थे, अचानक एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने टोका। जैसे ही टोका तो और तेज़ रफ्तार में बढ़ाया। जब पुलिस वालों ने पीछा किया तो ये पाया कि इन्होंने एक व्यक्ति को वहाँ फेंका और वहाँ से भाग गए। मौके पर जब तलाशी ली तो वहाँ एक व्यक्ति का शव पाया, जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो गया था कि इसको जो है यहाँ लाके फेंका गया है और घटना किसी और स्थान पर की गई है। रात में उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, सबको मर्चुरी में भेज दिया गया था। इसके बाद आज सवेरे जब उसकी पहचान हुई तो उसका नाम अनुराग राजावत होना ज्ञात हुआ, जो भोपाल जिला बल में आरक्षक चालक के पद पर पदस्थ है। उसका पिता सुखवीर राजावत 13 बटालियन SAF ग्वालियर। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर के थाना बिजौली क्षेत्र में बेरजा गांव में 5 नवंबर की रात को मोटरसाइकिल सवार नव दंपत्ति के साथ कट्टे की नोक पर लूट करने वाले 3 शातिर लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर भिंड जिले के एक गोहद गल्ला बंडी से उस समय गिरफ्तार किया जब ये एक लूट की तीसरी घटना करने के प्रयास में थे। ये बदमाश कार से टक्कर मारकर वारदातों को अंजाम देते थे। इस गैंग में 4 सदस्य हैं, जिनमें से 3 पुलिस की पकड़ में आ गए हैं, चौथा अभी फरार है। वहीं पुलिस ने अपराधी के कब्जे से ग्वालियर में 5 नवंबर की घटना में लूटे गए सोने के जेवर बरामद कर लिए हैं। उन्हें डरा धमका कर कट्टे से फायर करके और उनके जेवर एवं नकदी लूट लिया था। थाना बिजौली में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध लूट का प्रकरण दर्ज होकर विवेचना में था। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें SDOP बेहट श्री संतोष पटेल और थाना प्रभारी बिजौली श्री मनीष धाकड़ और उनकी पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही थी। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्र क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत माध्यमिक विद्यालय महाराज बाड़े पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 500 स्कूली छात्रों का परीक्षण कर 20 बच्चों का खखार परीक्षण किया गया। शिविर में ब्लड ग्रुप, शुगर टेस्ट, हाइट, वजन और अन्य स्वास्थ्य परीक्षण भी किए गए। साथ ही इस स्वास्थ्य शिविर में छात्रों को TB के लक्षण, उपचार, बचाव की जानकारी दी गई। शिविर में स्वच्छता जागरूकता के साथ 6 मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई।
खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में पुलिस ने एक शातिर चोर गैंग को पकड़ा है। इस गैंग ने जो कारनामे किए हैं उसे सुनकर खुद पुलिस भी हैरान है। इस शातिर चोर गैंग से कुछ बाइक और ट्रैक्टर बरामद हुए हैं। पूछताछ में चोर गैंग के सदस्य ने बताया कि उन्होंने पुलिस दरोगा की भी एक बुलेट चोरी की है थी। पुलिस ने उस बुलेट को भी बरामद कर लिया है। वही पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में लगभग एक दर्जन बदमाश शामिल है। इन लोगों ने दर्जन भर से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी करना स्वीकार किया है, जिन्हें इन बदमाशों ने प्रदेश के मुरैना, राजस्थान के धौलपुर और यूपी के आगरा जिले के खपाया जाना बताया है। वहीं पुलिस अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर चोरी किए गए वाहनों को बरामद करने की कोशिश कर रही है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम क्षेत्र से पिछले 7 अक्टूबर को एक ट्रैक्टर चोरी हुआ था, उसका प्रकरण दर्ज है। इसके अलावा भी हमारे एक थाना प्रभारी आरोन की बुलेट गाड़ी भी चोरी हुई थी। अलग अलग थाना क्षेत्र से कुछ मोटरसाइकिल्स भी चोरी हुई है, जिनके मामले ग्वालियर ज़िले में अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इस संबंध में हमें गैंग की तलाश थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर ये पता चला कि मुरैना ज़िले के माता बसैया थाना क्षेत्र के कुछ बदमाश घटना दिनांक को यहाँ देखे गए थे। विभिन्न सोर्सेस से उनका लोकेशन भी इसी क्षेत्र में पाया गया। इसी आधार पर जब कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद उनसे एक ट्रैक्टर, एक बुलेट और एक बाइक अभी बरामद कर ली गई है। अभी तक इस गैंग के कुल 3 सदस्य पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाल कल्याण विभाग के निर्देश पर श्रम विभाग ने बाल श्रमिक और किशोर श्रमिक को नियोजित किए जाने के खिलाफ अभियान चलाया। साथ ही लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों को उसने रिकवर भी किया। श्रम विभाग को 4 बच्चे फिलहाल मिले हैं जो स्कूटर, मोटरसाइकिल मैकेनिक तथा होटल पर काम कर रहे थे। इनमें 2 बच्चे 14 साल की कम उम्र के हैं, जबकि 2 बच्चे लगभग 16 साल के बताए गए हैं। श्रम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बाल कल्याण विभाग के निर्देश पर यह अभियान ग्वालियर में निरंतर चलाया जा रहा है, जिसमें बाल श्रमिकों को ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है और नियोक्ता के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया है, जहाँ से वह उचित निर्देश लेकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बाल श्रमिक जो नियोजित पाए जाते हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश हैं। इस संबंध में कलेक्टर महोदय के आदेश हैं। तो आज दिनांक 23 नवंबर को हम लोग पूरी श्रम विभाग और महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और विभिन्न विभागों के सहयोग से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी ये यहाँ इस शॉप पर आए हैं, इसका नाम है टोनियन। यहाँ पर अभी 2 बालक मिले हैं, तो उस संबंध में जाँच करके कार्रवाई की जा रही है। और भी जगह जाएंगे? बिल्कुल, ऐसा कोई टारगेट तो नहीं है, पर हाँ ये है कि कार्रवाई करनी है और जितना अधिक से अधिक प्रभावशाली तरीके से हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं वो कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।